मॉर्निंग क्लासेस। आज से हम लोग क्लास 11 के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट्स में देखेंगे जो पहला चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। हम जब कोई बिजनेस करते हैं तो उस बहुत से ऐसे बिजनेस का नेचर देखने को मिलता है और हमारा बिजनेस करने का क्या पर्पस होता है, क्या मोटिव होता है, उस पर हम लोग बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। लेकिन आज हम लोग पहला देखेंगे बिजनेस कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं। बिजनेस कॉन्सेप्ट में बहुत सी ऐसी एक्टिविटी जो होती है जो सोसाइटी में हम लोग परफॉर्म करते हैं, चाहे वो हम लोग प्रोडक्शन का काम करें या कह सकते हैं कि बहुत सी एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ये सब सोसाइटी में होता है। लेकिन हम लोगों को नहीं पता चलता है कि हम लोग कौन सी एक्टिविटी क्या परफॉर्म करते हैं, किस कैटेगरी में रखा जाता है, उसको बिजनेस कॉन्सेप्ट को किस तरह से देखा जा सकता है, ये सब हमारी सोसाइटी में होते हैं। लेकिन आज हम इनको डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी हम लोग सोसाइटी में जनरली परफॉर्म करते हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं बिजनेस कॉन्सेप्ट का पार्ट होता है। ये देखिएगा, पहले हमारा सम पीपल सर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, कुछ लोग होते हैं प्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं जो कि कुछ ना कुछ प्रोड्यूसिंग में उनका पार्ट होता है, जैसे कि FMCG देखेंगे, खाने के फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, बिस्किट, नमकीन, स्नैक्स वगैरह जो भी हैं, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूसिंग थिंग्स हैं। या आप कह सकते हैं कि TV है, फ्रिज है, कूलर है, ये सब प्रोड्यूसिंग थिंग्स है जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस कॉन्सेप्ट का पार्ट माना जाता है, बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है। आज हम लोग देखेंगे सब पीपल बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। बहुत से लोग होते हैं जो कि बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी के में इन्वॉल्व होते हैं। ये बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ लेन देन के प्रोसेस को हम इन जनरली कंज्यूमर भी इसको यूज़ करता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये कहीं ना कहीं बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता है। फिर हम लोग देखेंगे सम पीपल्स इज ए बिजी इन ए प्रोफेशनल्स ऑफ लॉ। प्रोफेशनल्स ऑफ लॉ की बात करेंगे तो ये स्पेशलाइज पर्सन्स होते हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड एक तरह से पर्सन्स के रूप में, प्रोफेशंस के रूप में हम इनको अपनी सोसाइटी में जगह देते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये प्रोफेशंस ऑफ लॉ की कैटेगरी में रखे हैं। सम पीपल्स इज सर्विंग इन ए फैक्ट्री, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं। सम पीपल्स इज सर्विंग इन ए फैक्ट्री, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं, इनको हम लोग एम्प्लॉयज़ के रूप में यूज़ करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारा एम्प्लॉयमेंट फेज में होता है जो कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि जब भी हम कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें एम्प्लॉयज़ को रखना ज़रूरी है, एम्प्लॉय रखते भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस कॉन्सेप्ट के पार्ट में आता है। सम पीपल्स इज बिजी इन ट्रीटिंग द पेशेंट्स, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, ये स्पेशलाइज पर्सन होते हैं जिसको हम लोग प्रोफेशंस में देख सकते हैं। फिर सम पीपल्स इज सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, हमारे वहाँ बहुत से ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जैसे कि हम कह सकते हैं रेलवेज है, एयरफोर्स है, मिलिट्रीज हैं, ये सब जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ के रूप में देखते हैं और ये कहीं ना कहीं बिजनेस का कॉन्सेप्ट भी होता है। फिर हमारे सम पीपल्स इज बिजी इन प्रोपेगेटिंग रिलीजन्स, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो धर्म के प्रचार प्रसार में इन्वॉल्व होते हैं, ये सोशल एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है और इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं बिजनेस का कॉन्सेप्ट मानते हैं। सम पीपल्स इज बिजी इन डूइंग द सोशल वर्क, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि सोशल वर्क में पार्ट लेते हैं, जैसे NGO है, समाज सेवी संस्थाएँ होती हैं, ये सारी चीज़ें एक बिजनेस के कॉन्सेप्ट में भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसकी देखिए क्या क्या कैटेगरीज हैं जिसको अलग अलग एक्टिविटीज़ के पार्ट में हम लोग रखते हैं। हमारी पहली और दूसरी एक्टिविटी यानी प्रोड्यूसिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग, ये दो एक्टिविटीज़ जो होती है जिसको हम लोग बिजनेस के एक्टिविटी में रखते हैं। एंड थर्ड एंड फिफ्थ एक्टिविटी, थर्ड यानी कि बिजी इन प्रोफेशंस ऑफ लॉ और फिफ्थ जो है ट्रीटिंग द पेशेंट्स, ये दो एक्टिविटीज़ जो हैं जिनको हम लोग प्रोफेशंस में रखते हैं, ये स्पेशलाइज पर्सन होते हैं इसलिए इनको प्रोफेशंस में रखते हैं। और जो थर्ड कैटेगरीज आती है जिसमें हम लोग फोर्थ सर्विंग द फैक्ट्रीज और सिक्स कह सकते हैं सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये दो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरीज में रखते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं इनकी अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं जो कि बिजनेस कॉन्सेप्ट में हम देख सकते हैं। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसके नोट्स भी हम आपको दे देंगे और जो भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होगी आप इसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू।